नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। मरुभूमि यानी राजस्थान के सियासी रण में चुनावी बयार तेजी से बहने लगी है और बयानों के वार से सामने वाले को धोबी पछाड़ करने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा जारी है। कांग्रेस के दिग्गजों का भी प्रचार में दम दिखाई दे रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजस्थान में क्या चुनावी घमासान चल रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मरुभूमि के रण में चुनावी ललकार का वार शुरू हो चुका है। 2023 में संभावित राजस्थान विधानसभा चुनाव पर सियासी दिग्गजों के कार्यक्रमों के साथ साथ बयानों के जोर से सियासी शोर सुनाई देने लगा है। शोर के जोर का ताप दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। एक का बयान दूसरे का ध्यान सियासी लड़ाई को रोमांचकारी बना रहा है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का पीओके प्रियंका के राजस्थान दौरे पर G20 समिट को लेकर दिए बयान की चर्चा सियासी गलियारों में खूब सुनाई दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो गहलोत सरकार ने जो भी जनहित की योजनाएं दी हैं वो सब बंद, इसलिए आप सोच समझकर ही वोट करें। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को राहत पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने आप को भूमि पुत्र कहते थे और आज वो करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। वह प्रियंका ने एक ऐसा बयान भी दिया जिसकी वजह से वो बीजेपी के निशाने पर आ गई। जिन बड़े बड़े उद्योगों से आपको रोजगार मिलता था उन्हें चुपचाप से एक के बाद एक अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया, आपके पेंशन कटवा दिए, आपकी सेना में भर्ती होने के चांस खत्म कर दिए, अग्निवीर ले आए, महंगाई बढ़ा दी और खुद इतने बड़े काफिलों में चल रहे हैं। रोज रोज आप टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है रोज रोज, खास तौर से आजकल। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो। और जिक्र बीजेपी का हो तो फिर मुद्दा देशभक्ति की तरफ मुड़ जाना स्वाभाविक है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान में दम भर रही है और दम दिखा रहे हैं बीजेपी के दिग्गज। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह बीजेपी के संकल्प यात्रा के लिए राजस्थान पहुंचे, जहां दौसा में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उनसे सवाल किया गया कि पीओके के लोग भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पीओके भारत में शामिल होगा, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। वही राजस्थान में योगी मॉडल और सीएम फेस को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। देखिए, जो व्यक्ति भारत में टी शर्ट और पैंट पहने, बाहर जाके कुर्ता पजामा पहने, तो उसके बारे में क्या बोला गया। उन्होंने सब तरह के नखरे कर लिए, कभी जनेऊ पहन लिया, कभी किसी मंदिर की घंटी बजा ली, कभी कुछ कर लिया। मानसरोवर यात्रा के लिए गए, जाकर वो मीट खाया, उसके बाद गए। इनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, उनके बारे में कुछ बोला नहीं था। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, प्रतन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सारे चुनाव के अंदर कभी अपना फेस बताया क्या? पिछली बार बताया, सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री का फेस बताया था 2014। पार्टी की प्रथा नहीं बताते, कानून और व्यवस्था योगी से कंपेयर मत करिए ना। आप उदाहरण दे रहे थे भी थोड़ी देर पहले, उदाहरण इसलिए दिया कि वहां पे कानून व्यवस्था सुधर गई। अब उनके मॉडल को लेकर सब लोग बात करते हैं, तो जो भी आएगा मुझे आशा है कि उनके मॉडल को लेकर आगे काम बढ़ाएगा। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राजस्थान में अपराध चरम पर है, संतों की हत्या की जा रही है, कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है, दलितों की पीड़ा कांग्रेस को दिखाई नहीं देती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जनहित की योजनाओं के बल पर एक बार फिर से कांग्रेस को वोट करने की अपील कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की पिछले 30 साल की राजनीति पर नजर डालें तो यहां की जनता ने बारी बारी से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम किया है। अब महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि जनता इस परंपरा को बरकरार रखते हुए बीजेपी खेमे को सत्ता सौंपेगी या एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। ये सवाल बड़ा है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट।
तो पिछले 30 साल से राजस्थान की राजनीति में जो घटनाक्रम हो रहा है उससे हम सब वाकिफ हैं कि किस तरह से बारी बारी से एक बार मैं एक बार तू की स्थिति बनी हुई। लेकिन इस बार क्या समीकरण बनेंगे इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ जो बयान इस वक्त दिए जा रहे हैं, G20 का जिक्र इसमें आया है और इसके साथ साथ जिक्र PUK का भी आया है, इस पर भी बात करना जरूरी है। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर और भारत में और उनके विदेश में पहनावे को लेकर भी जिक्र आया है, ये भी चर्चा का विषय हो गया है। जैसे चुनाव नजदीक आएगा और भी तमाम तरह की बातें राजस्थान के सियासी रण में नजर आएंगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में इस वक्त जुड़े हुए हैं। मदन प्रजापत है, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है। मदन जी बहुत स्वागत है आपका। पौरुष भारद्वाज मेरे साथ इस वक्त है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। पौरुष जी बहुत स्वागत है आपका। योगेंद्र गुप्ता आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। योगेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ है। मेजर साहब बहुत स्वागत है आपका। जितेश जेठा नंदनी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। जितेश जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मैं पहला एक छोटा सा सवाल मैं अश्विनी सिवाच जी आपसे करना चाहूंगा। PUK को लेकर जिक्र आया, मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे क्योंकि एक एक करके सबसे मुझे सवाल पूछना है। पीओके का जिक्र आया है, उस पर पहले एक स्पष्ट होना चाहिए कि क्या यह स्थिति है और इस पर जो पूर्व जनरल का बयान सामने आना कि अपने आप जो है वो भारत में मिल जाएगा, ये क्या स्ट्रेटजी है जिसके तहत उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया गया। बयान छोटा था लेकिन अर्थ बहुत गंभीर है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि POJK और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा है जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने। जी 1994 में भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में कि ये पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये वापस आना चाहिए। देखो अभी हालात वहां पर ऐसे हैं कि वहां पर सिविल वार जैसी सिचुएशन और कि दोनों तरफ POJK में भी और गिलगित पाकिस्तान में। पहले अगर गिलगित पाकिस्तान की बात करें, वहां शिया पॉपुलेशन है, वहां पर सुनियों को बसाया गया है, एक्स सर्विसमैनों को वहां पर खाने को दाने नहीं है, 250 से 300 रुपए KG आटा है, बिजली पानी नहीं है, पेंशन नहीं मिली, लोगों को पे नहीं मिली। आज वहां लोग कहते हैं कि ये स्कार्दू से कारगिल वाला रास्ता खोलो, हम भारत में मिलना चाहते हैं। अगर आप बात करें POJK की, स्पेशली मुजफ्फराबाद मीरपुर कोटली वहां पर जो नीलम नदी है उसका जो मेन रिवर उसका मुंह मोड़ के ने पंजाब की तरफ कर दिया, मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती 2 रुपए पर यूनिट, वही बिजली इनको 55 रुपए पर यूनिट पाकिस्तान बेच रहा है। तो सच्चाई यह है आज वहां पर लोग सड़कों पे आ गए हैं, एक प्रकार आक्रोश है, आंदोलन कर दिया है, सिविल वार जैसा सिचुएशन पैदा कर दिया है। वो कहते हैं हम भारत में, और ये कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी को देखे, ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। तो ये सच्चाई है कि आज जो पाकिस्तान के अंदर बहुत विद्रोह जैसी सिचुएशन हो रही है POJK और गिलगित पाकिस्तान में, मगर ये भी सच्चाई है दूसरे इलाके में भी बहुत हालात खराब है, चाहे वो खैबर पर जो पश्तून है वो अफगानिस्तान से मिलना चाहते हैं, उसके बाद बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, वो जनरल फ्रीडम स्ट्रगल वो निकलना चाहते हैं, इसी प्रकार से सिंध में एक पंजाब रह जाता है। तो चार हिस्से होंगे पाकिस्तान के, एक खैबर पख्तूनख्वा, एक बलूचिस्तान, एक सिंध और पंजाब, और POJK और गिलगित पाकिस्तान मुझे लगता है आने वाले समय में भारत के साथ मिलेगा, जो उसका कोई शक नहीं। ये काम मिलेगा कैसे मिलेगा ही है, इसके ऊपर कोई शक नहीं कि मिलेगा। तो यह सच्चाई है जो जनरल VK ने एक स्टेटमेंट दी, एक बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट थी ये, इसके अंदर आपको देखना चाहिए क्या है, मगर यह सच्चाई है कि अब वहां से लोगों की आवाज आ रही है, वो चाहते हैं कि मिले, क्योंकि उन्होंने देखा है भारत में जो जम्मू और कश्मीर है वो 70-75 साल आगे निकल गया है, यहाँ की सड़कों का जाल बिछ गया है, IIM है, मेडिकल कॉलेज है, आपका टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम है, सऊदी अरेबिया UAE इन्वेस्ट कर रहा है $2.5 से $3 बिलियन जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पर एक प्रकार से सारा माहौल वो लोग देख रहे हैं कि हम, हमारे को पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, वो हमको झूठ बोलती रही, और देखो भारत का जो जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया। तो ये सच्चाई है, आज वो डूबता शिप है जो पाकिस्तान, जहां फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तो ये लोग खुद आना चाहते हैं भारत में। ये सच्चाई है, ये कब होगा, क्या होगा, ये जल्दी होगा। हाँ, राजनीतिक साहित्य तो वहां पर नहीं है और POK कि जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा खराब होगी कि खुद अपने मुंह से अपनी इस तरह की बात कह रहे हैं। तो जो ये VK सिंह की तरफ से कहा गया इस बात में सच्चाई तो नजर आती है। अब चर्चा करेंगे मेरे साथ मदन प्रजापत हैं, पौरुष भारद्वाज हैं। पौरुष जी पहला सवाल मेरा आपसे ही है, POK पर जो बयान दिया गया उस पर आपका रिएक्शन क्या है, जो अश्विनी सिवाच जी ने कहा उस पर भी आपसे बात रखना चाहूंगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति में इस वक्त 2-3 चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष का ये आरोप है कि कानून व्यवस्था का राज वहां पर नहीं है,
वहां पर संतों की हत्याएं हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो लोग दलित हैं जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां प्रियंका गांधी नहीं जाती है, वहां पर राहुल गांधी नहीं जाते हैं, लेकिन उनको तमाम उन चीजों की याद आ जाती है जो जिन जिन जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और जहां पर जल्दी पहुंच जाते हैं। देखिए शमशेर जी, मैं सबसे पहले तो आपका ध्यान इस बात पे दिलाना चाहूंगा कि जैसा कि विपक्षी दल कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी राजस्थान क्यों नहीं आती, तो मैं आपका ध्यान इस बात पे दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान एक पूरे भारत में एक ऐसा पहला प्रदेश है कि जिसने अपनी पुलिस को सख्त रूप से तायिद कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति आए यदि उसके साथ कोई घटना घटती है तो उसकी FIR निश्चित तौर पर दर्ज होती है। हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि है ना जो देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियों को एक अदद FIR दर्ज करवाने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पे धरने पे बैठना पड़ता हो और सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ता हो तब जाकर के FIR दर्ज होती है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात आप देखिए, यदि हमारे यहाँ पे कोई क्राइम होता है तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करती है और अपराधियों को 24 से 36 घंटे में उठाया जाता है। आप देखिए ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो कन्विक्शन रेट है हमारी, जो जिस पे हम लोग अपराधियों को सजा दिलवाते हैं, कन्विक्शन रेट के मामले में राजस्थान पूरे भारत में सबसे टॉप पर है। 48% की रेट लेकर के हम भाजपा शासित प्रदेशों से नहीं बल्कि हम हमारे शासित दूसरे प्रदेश हैं, हम उनमें भी भारत में नंबर वन पे हैं। अब हम बात करते हैं क्राइम जो हो रहा है उसके ऊपर। मैं आपको इस बात को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अपराध रोकना निश्चित तौर पर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, परंतु आप देखिए भाजपा का कैसा दोहरा चरित्र है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब मैं हरियाणा में अपराध कैसे रोकूं, मेरे यहाँ पे पॉपुलेशन करोड़ों लोगों की है, पुलिस मेरे पास कुछ लाखों संख्या में। आप देखिए इनकी भाजपा के जो पिछले इनकी भाजपा की जो पिछली सरकार थी वसुंधरा जी की हमारे से पहले वाली, उसमें जो पंचायती राज मंत्री थे सम्माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे पत्रकारों के द्वारा कानून व्यवस्था पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही कि साहब कानून व्यवस्था की शिकायत तो कि कानून व्यवस्था का मसला तो सतयुग में भी था और भगवान राम के जमाने में भी था, रावण के जमाने में भी था और ये आगे तक रहेगा। सवाल ये नहीं है कि अब अपराध रुक जाएगा, अपराध तो चारों युगों में होता है, होता रहेगा। पर देखिए हम लोग इस तरह की पार्टी नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ते। निश्चित तौर पर हमारे द्वारा कार्रवाइयां भी की जाती है अपराधों के खिलाफ और आप देखिए हमारे द्वारा समय समय पर हमारे भाई बदन प्रजापति मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप सरकार के द्वारा समय समय पे चलाया गया जिसमें सुबह 5 बजे राजस्थान के 35,000 पुलिसकर्मी जिसमें आम सिपाही से लेकर के IPS ऑफिसर तक शामिल थे पूरे राजस्थान में एक ही दिन में, और ऐसे कई ऑपरेशन चलाए गए समय समय के अंतराल में कई ऑपरेशन चलाए गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक दिन में हमारे द्वारा 55,000 अपराधी, चाहे वह छोटा सा कोई जेब कतरा हो या फिर कोई बड़ा कोई भूमाफिया हो या फिर कोई नशे का कारोबार करने वाला हो या कोई बच्चों को छेड़ने वाला हो, उनको हमारे द्वारा उठाया गया और उनको जेल भेजा गया। परंतु देखिए अगर यदि वो जाकर के हमारे देश में संविधान है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आकर के उनको कोर्ट अगर जमानत दे देती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, परंतु जमानत लेके आए तो दूसरी बार में हमारे द्वारा फिर इस बात उठाया गया। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अपराध रोकना निश्चित तौर पर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, परंतु सरकार का कानूनी दायित्व यह है कि यदि कोई अपराध होता है तो सरकार कितनी ठीक है। ये आपका कहना है कि भारद्वाज साहब का ये कहना है कि देखिए हम जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, हम इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो अपना पिंड छुड़ाते नहीं हैं, बल्कि कन्विक्शन रेट को लेकर कहा कि हमारा बेहतर है सबसे और दूसरा जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अब ये सवाल मेरा मदन जनता पार्टी प्रवक्ता से एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा, POK को लेकर भी बोलें जो अभी अश्विनी जी ने बात रखी है और दूसरा जो इस वक्त बात हो रही है कानून व्यवस्था की जिसको लेकर आप लोग आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर BJP को लेकर। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हरियाणा की स्थिति देखिए कैसे वहां के CM बोलते हैं और जब BJP की सरकार राजस्थान में थी तो के मंत्री ये कहते थे कि ये तो पहले भी होता आया है। प्रजापत जी की आवाज बढ़ाएं जरा, प्रजापत जी मुझे लगता है म्यूट तो नहीं आपका मोबाइल फोन। देखिए पहले तो मैं प्रियंका गांधी जी की बात कह देता हूँ, उन्होंने कहा G20 की बैठक पे सवाल खड़े करते हैं और जब राष्ट्रीय दुनिया के सारे राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में आते हैं तो भारत की छवि, भारत के अंतर्राष्ट्रीय विश्व गुरु बनने के पटल के ऊपर किस तरीके से भारत का मान सम्मान बढ़ता है वो इनको हजम नहीं होता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहले गरीबी दिखाते थे, झोपड़पट्टी दिखाते थे, अब वो समय नहीं रहा है शमशेर जी। अब देश के अंदर हम झोपड़पट्टी गरीबी नहीं दिखाते, अब हम विकास दिखाते हैं, किस तरीके से हम चांद पे पहुंचे हैं, किस तरीके से हम तेजस बनाते हैं, किस तरीके से भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनियां
करती है, तो अब जो है वो भारत बदल गया है तो इन लोगों को वो चीज हजम नहीं होती है। और दूसरा ये खर्चे की बात कर रहे थे तो मैं प्रियंका जी को याद दिला दूं कि उनके पिताजी जो है नेवी के युद्ध पोत को अपने विदेशी दोस्तों को पर्सनली जन्मदिन मनाने के लिए और अपने परिवार के पर्सनल रिश्तों के अंदर काम में लेते थे। तो ये अब जो देश है वो बदल गया है, अब इनका उस तरीके का चाल चरित्र जो है वो जानती है देश अच्छी तरह। दूसरा भारद्वाज जी ने बहुत कुछ बोला आज कानून व्यवस्था के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में, तो इनको याद दिला देता हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इनका एक मंत्री खड़ा होकर कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता है, और उसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इनका दूसरा मंत्री अगर महिलाओं के अत्याचार के बारे में अगर कोई बात कर लेता है तो दूसरे दिन उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। प्रियंका गांधी जी के सोरी होती है पता नहीं। प्रियंका गांधी जी ये कहती है मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान की माताओं बहनों के लिए प्रियंका गांधी जी के हृदय के अंदर किसी तरीके का कोई संवेदनाएं नहीं बची। आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी कल आई, कल नहीं आई राजस्थान। प्रियंका गांधी राजस्थान में आती रहती है, पहले बच्चों को शहर दिखाने के लिए पर्यटक के रूप में आती रहती है और अब राजनीतिक पर्यटन करने के लिए आती है। जब प्रियंका गांधी राजस्थान में आती है तो राजस्थान की जनता माताएं बहने ये जानना चाहती है कि उनके राज के अंदर किस तरीके से महिला अत्याचार बढ़ गया। और वो कह रहे थे FIR के लिए अभी तो खाजूवाला की घटना इनको शायद ध्यान नहीं है, जहां रक्षक ही भक्षक बन गए थे और पुलिस बलात्कारियों को किस तरीके से संरक्षण दे रहे हैं। भारद्वाज जी भूल गए करौली की घटना जिसमें एक बच्ची को अपहरण करते हैं, उसके बाद उसके बलात्कार किया जाता है, उसके बाद में उसको गोली मारी जाती है, एसिड डाला जाता है, कुएं में डुबो के मार दिया जाता है। पुरुष भारद्वाज जी भीलवाड़ा की घटना भूल गए हैं जहां एक बच्ची को बलात्कार करके और जिंदा भट्टी में जला दिया जाता है। पुरुष भारद्वाज जी जोधपुर की वो घटना भूल गए हैं जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर बच्चियों को विश्वविद्यालय के अंदर बलात्कार कर देते हैं। पुरुष भारद्वाज जी ये घटना भूल गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के 4 किलोमीटर के दायरे में एक महिला जो है उसका बलात्कार हो जाता है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, उसके लिए उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और पोरस भारद्वाज जी रोज की घटना है, कल प्रियंका गांधी जी की सभा हो रही थी उसके बाद भी एक महिला की निर्मम हत्या करके और पाई गई है, और आज भी एक महिला सूरतगढ़ के अंदर रोड के ऊपर सनक जंदा जलाई। और पोरस भारद्वाज जी मुझे पता नहीं आपका और प्रियंका गांधी का हृदय पसीजता या नहीं पसीजता, लेकिन राजस्थान में सुबह एक महिला घूमने के लिए निकलती है और उस महिला के वस्त्र उतारते हैं, निवस्त्र करके बलात्कार किया जाता है और उसके कपड़े भी ले जाते हैं, और बाद में पुलिस आती है जीप में से सीट की कवर फाड़ के उस महिला को ढकने के लिए देती है। और प्रियंका गांधी जयपुर में थी इसलिए आपके CM के OSDA कहते हैं कि ये बलात्कार नहीं हुआ है, ये सामूहिक बलात्कार की घटना नहीं थी। बाद में आपके DGP आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका गांधी जाने के बाद कहते हैं कि बिल्कुल ये सामूहिक बलात्कार था। किस तरीके की संवेदनाएं आपकी है? प्रियंका गांधी जी आती है अपने मुख्यमंत्री जी कोई सवाल नहीं कर सकती है, क्यों नहीं करती है? क्या महिलाएं राजस्थान की महिलाएं नहीं है? छोटा सा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तो मैं आपको बता देता हूं कि आज रिवर फ्रंट का शमशेर जी रिवर फ्रंट का आज उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, इन्हीं के विधायक है भरत सिंह कुंदन वाला, जो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि गृह मंत्री कहते हैं कि गृह मंत्री जी आपका भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए मैं इस अगर आप कोटा के अंदर आते हैं तो मैं आपका विरोध करूंगा और रावण जलाऊंगा। ये रावण किसको जला रहे हैं? मतलब छोटा सा रिएक्शन बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे और भी लोगों से बात करनी है। ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, मैं POK पर थोड़ा बात करना चाहता हूं। मदन जी खास मुख्य 10 सेकंड दीजिएगा, मुख्यमंत्री जी के खास जवाब देना चाहूं। मुख्यमंत्री जी के खास पुलिस अधिकारी पूर्व DGP BL सोनी ने कहा है कि किस तरीके की जीरो टॉलरेंस इनके यहाँ पे रहती है, किस तरीके से ये अपराधियों को छुड़ाने में आतुर रहते हैं, किस तरीके से छोटी मछलियों को पकड़ ले तो कुछ नहीं लेकिन बड़ी मछलियों को पकड़ते किस तरीके से तिलमिला जाते हैं, और बड़ी मछलियों के ऊपर पकड़ने के बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई करके ईमानदार अधिकारी पकड़ते हैं और बाद में किस तरीके से ये उसके ऊपर नहीं देती। पुरुष भारद्वाज जी आज इसका भी जवाब दीजिएगा कि राजस्थान की RPSC जैसी संस्थाओं का आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, किस तरीके से लेकिन छोटा सा रिएक्शन मदन जी आपसे POK पर मैं जानना चाहता था, आप उस पर जवाब नहीं देना चाह रहे। ठीक है, जल्दी से बोलिए सर मदन जी। मैं शमशेर जी इनको बताना
देश की बालिकाओं के लिए, वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका केस चल रहा है, लेकिन राजस्थान ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने बहुत वाले लंबा बोल रहे हैं आप ना बदल प्रजापति, आप पूरा अकेला ही, आप पूरा वक्त अकेले खाए जा रहे हैं, बाकी लोगों से बात भी करनी है। पीओके पर आपका रिएक्शन क्या, जो बात रखी है अश्विनी शिवाज जी ने, छोटा सा रिएक्शन आप बोलेंगे तो बिल्कुल। देखिए मैं जो आज जनरल साहब ने कहा है वो बिल्कुल, अभी आपके पैनल में बैठे हुए हैं पूर्व आर्मी अधिकारी है, उन्होंने भी और जो स्थिति करवाने वाले कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी जी थी, आपकी तरह बिना सियासी लड़ाई का रण है। दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, अभी मुझे और भी मेहमानों से बात करनी है। योगेंद्र गुप्ता के पास चलता है। योगेंद्र जी, राजस्थान के सियासी रण में आम आदमी पार्टी भी पूरे तरीके से अपना दांव पेच लड़ा रही है और पीओके का जिक्र आ ही जाता है। जब भी कभी इस प्रकार का चुनाव होता है वहां पर ये सवाल उठने लगता है, पाकिस्तान आ जाता है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया योगेंद्र जी, रिएक्शन माफी चाहूंगा क्योंकि लंबा बीजेपी का भी हो गया संदेश और कांग्रेस पार्टी का भी हो गया, पर मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा सीमित रखें बात को। शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद ये भूल गए कि ये चुनाव आ गया है तो जो टीवी चैनल है वो चुनावी रण नहीं है, वो टीवी चैनल अपनी बात रखने का माध्यम है, तो शायद वो चुनावी भाषण यहाँ पे दे रहे थे, अच्छा कि आपने रोक लिया। देखिए, जहां तक आपने जो दो सवाल पूछे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो जो सत्य यहाँ पर सामने रखे, मदन जी सुनिए, देखिए मदन जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, पर्याप्त नहीं, मैं तो शमशेर नहीं, मदन जी सुनिए ना, आपको पूरा वक्त मैंने दिया ना, अभी आप बीच में बोलेंगे तो बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा ना, आपके पास आ रहा हूँ सर, प्लीज आप सुनिए, अब ध्यान से बोलने दीजिए योगेंद्र जी को, उनका वक्त है अब बोलने का। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि मन की बात सुनाते सुनाते ये किसी और की बात सुनने की आदत भूल चुके हैं, अब ना ये देश की बात सुनना चाहते हैं, ना युवा की बात सुनना चाहते हैं, ना महिला की बात सुनना चाहते हैं, ना किसान की बात सुनना चाहते हैं, और ना टीवी एंकर की बात सुनना चाहते हैं। तो ठीक है, मन की बात है, लेकिन देश अब मन की बात आपकी कितने सुनेगा आपको बहुत जल्दी पता लगेगा। देखिए, जहां तक दो बातों का सवाल है, पहली बात पीओके की, पीओके हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में शामिल हो ये तो देश का व्यक्ति चाहता है, लेकिन प्रश्न यहां पर है कि पीओके 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, 9.5 साल से आप पीओके का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन चुनाव के समय अब जब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप हारने वाले हैं तो आप वो सारे मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हार जीत में तब्दील हो जाए, इसलिए इनकी जो बयान आ रहा है उसकी नीयत पर शक है, इंप्लीमेंट तो हर आदमी चाहता है, नीयत पर शक है, हमें शक है कि ये जो पीओके का बयान दे रहे हैं ये पीओके का बयान जुमला साबित होगा उसी तरीके से जिस तरीके से इनके सारे बयान जुमला साबित हुए हैं। अब रहा सवाल राजस्थान को लेकर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, और एक दूसरे की पोल खोलते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस राजस्थान की जो दशा आज है उसके लिए अगर कोई दोषी है ये दोनों ही दल है, ये दोनों दल यहां पर आएंगे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है राजस्थान के तकदीर, राजस्थान की तदबीर को बदलने के लिए राजस्थान की इन जनता को इनसे हाथ जोड़ना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को लाकर के दिल्ली पंजाब की तरह सशस्त्र यहां पर लाना पड़ेगा, इनका सत्य यही है। तो जनता सब देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, ये कितना भी चिल्लाए कितना भी चीखे, भारतीय जनता पार्टी के मदन जी को बता दूं कि मदन जी जब कानून व्यवस्था पर आप एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगली खुद पे उठाते हैं, और हम हमेशा बहाल पूछते हैं कि आपका कानून व्यवस्था का मॉडल बता दीजिए, आप मणिपुर जैसी कानून व्यवस्था देंगे राजस्थान में, आप मणिपुर जैसी, आप महंगाई की बातें करते हैं तो मदन जी से सवाल पूछना चाहिए, महंगाई को तो दलदल में आपने झोंका हिंदुस्तान को, पेट्रोल डीजल दालें तेल हर चीज को तो आपने महंगाई में डाल दिया, और ये बात करते हैं कि देश में विकास हो रहा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए मोहताज करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है विकास हो रहा है इससे शर्म ना कुछ हो नहीं सकता, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा जाता, जितेश जी के पास जाना चाहता हूं, बेशर्म पार्टी कहा जाता। जितेश जेठानंद जी मेरे साथ हैं, एक मिनट सर, भारद्वाज जी और भी लोगों से बात करनी है आपको, देखिए सबसे ज्यादा वक्त मैंने दिया, मुझे
हालांकि कोशिश ये थी कि सबको बराबर वक्त दो, लेकिन जिसको जितना मौका मिलता है उसमें पूरी बातें सदैव अंदाज में रखेगा तो उस पार्टी के लिए बेहतर होता है। फिर बातें रह जाती, फिर आप एंकर को टोकते रहते हो कि मुझे वक्त नहीं दिया गया। अब एक सवाल मेरा जेठानंदनी जी आपसे है कि इस वक्त राजस्थान की सियासत में कई मामले चल रहे हैं, नज़र आपकी भी है, अब सबको आप भी चुके हैं, सवाल लंबा हो जाएगा पूछूंगा, तो आपकी नज़र में क्या चल रहा है इस वक्त राजस्थान में? देखिए, जहां तक वीके सिंह जी के बयान की बात करें तो वीके सिंह के बयान के कई मायने हैं, बात सियासत की करें तो सियासी मायने, देखिए राजस्थान के कण कण में शौर्य और पराक्रम की भूमि है ये, तो राष्ट्रभक्ति जाहिर है यहाँ पे बहुत ज्यादा है और प्रदेशों की अपेक्षा, और राजस्थान का एक लंबा बॉर्डर इलाका भी है, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर, ये एक बड़ा लंबा गंगानगर भी इसमें आता है, तो पाकिस्तान से टच ये बॉर्डर इलाका है, तो उनके बयान के कई मायने हैं। और राजस्थान में शेखावटी एक ऐसा इलाका है कि हर दूसरे घर में एक व्यक्ति सेना में है या बीएसएफ में, तो आप देखिए इस बयान के कई मायने हैं और उसका फायदा जाहिर से ये बात है कि बीजेपी को आगामी चुनाव में मिल सकता है, अगर ये बयान सोशल मीडिया वाया मीडिया अगर इस पर चर्चा हो गई तो बीजेपी को इसका फायदा ही है। अब बात रही सर राजस्थान में सियासी रण की, तो दोनों ही पार्टियां, एक तरफ तो बीजेपी है वो कह रही है कि भाई हम परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पांच पांच साल की सत्ता की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे एंटी इनकमबेंसी फैक्टर बड़ा रहता है, जैसा कि हिमाचल और अन्य प्रदेशों में हमने कई प्रदेशों में देखा है कि पांच साल बीजेपी और पांच साल कांग्रेस, एक तो रही बात ये बीजेपी यहाँ पर चुनावी मुद्दे के तौर पर, एक तो यहाँ पर भ्रष्टाचार और दूसरा कानून व्यवस्था और तमाम तरह के मुद्दे उठाकर बीजेपी पर सत्ता प्राप्त करनी चाहती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस यहाँ पर जो सत्ता प्राप्त करनी चाहती है अपनी योजनाओं के दम पर दम भर रही। अब बात करें लबोलुभाव यह है कि राजस्थान की सियासत कहाँ है, सर मैं आपको बताता हूँ, अपने आपके जो दर्शक है उनको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की सियासत है ना, पूरा कास्ट बेस्ड चुनाव राजस्थान में होता है, पांच सात बड़ी कास्ट है, वो इलेक्शन किस ओर को मूव होता है वो कास्ट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पास वर्तमान में एम फैक्टर है, यानी मुस्लिम मीना और माली वोट कांग्रेस पार्टी के पास है। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के पास जनरल पूरा वोट बैंक है जिसमें ब्राह्मण आगे बड़ी जाति है, और बीजेपी अमूमन प्रदेश की सियासत को आप गौर करेंगे तो ओबीसी समाज पर बीजेपी का बड़ा दबदबा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी समाज से आते हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं एक मिडिल जो क्लास के लोग हैं और ओबीसी समाज के लोग हैं उनको, लेकिन अशोक गहलोत ने अभी ओबीसी को आरक्षण देकर ये कोशिश की कि ओबीसी समाज उनकी तरफ आ जाए, लेकिन फिलहाल की स्थिति में ऐसा नजर नहीं आ रहा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ नहीं। बात करें सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर है राजस्थान में, वो है जी फैक्टर यानी गुर्जर समाज का। एम फैक्टर तो कांग्रेस के पास है क्योंकि पिछले चुनाव के अंदर देखा गया कि गुर्जर समाज के लगभग 55 सीटों पर गुर्जर समाज का दबदबा है, जिसमें 39 सीटों पर जनरल है और 13 सीटों पर एससी और 5 सीटों पर एसटी, इस तरह से 55 सीटों पर एमबीसी और गुर्जर समाज का दबदबा है। ये जो 55 सीटें हैं ये 15-10 हजार से लेकर और 50 हजार तक गुर्जर सीटों पर है। अब गुर्जर जहाँ 10 हजार है वो 20 हजार पे इन्फ्लुएंस करता है। गुर्जर एक ऐसी कास्ट है जो बाहुबली आप कास्ट कह सकते हैं क्योंकि सचिन पायलट इनके नेता है, जाहिर सी बात है नाराज है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, तो अब गुर्जर कहाँ जाएगा अभी की वर्तमान स्थितियों में जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ क्योंकि लंबे अरसे तक मैंने कवर किया है बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को, तो मुझे ऐसा लगता है गुर्जर समाज एक वेट एंड वॉच की स्थिति में, अगर सचिन पायलट को अच्छी यहाँ पर सीटें दी जाती है तो गुर्जर समाज मूव करेगा एक बार फिर से सचिन पायलट की तरफ, अगर ऐसा नहीं होता तो गुर्जर समाज बीजेपी की तरफ भी मूव कर सकता है। बात रही जाट समाज की तो जाट और राजपूत समाज भी बड़ा है यहाँ पर, तो अल्टीमेटली जो राजस्थान का चुनाव है ना सब टिकट वितरण पर डिपेंड करता है, किस पार्टी को पार्टी कौन सी पार्टी किस कार्ड को कितनी टिकट देती है, तो अभी दोनों ही पार्टी अपना अपना दम भर रही है, लेकिन एक्चुअलिटी वर्तमान में धरातल पे स्थिति भी है कि सब टिकट वितरण पर डिपेंड करता है। जो मेरे पास सूचना है मैं आपको जानकारी देता हूँ, अहम जानकारी है कि जितेश जी रोकूंगा, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द डी और बी ग्रुप की जो सीटें हैं उसकी घोषणा बीजेपी कर सकती है, 25 तारीख से पहले पहले बीजेपी घोषणा कर देगी, और अमूमन टेंटेटिव मुझे आइडिया यह है, मेरा एनालिसिस यह है कि कांग्रेस भी बीजेपी की कांग्रेस आसपास ही 25 तारीख के आसपास पहली
20-25 जो सीटें हैं विधानसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, तो अब पूरी लड़ाई है ना सर जो ग्राउंड पर है। और वितरण पे आपने अहम बात आपने कही है को लेकर मुद्दा बनाएंगे, यात्रा निकालेंगे और अपनी योजनाओं को लेकर 200 सीटों पे जाएंगे, लेकिन दोनों दोनों तरफ जितेश जी ने कई अहम जानकारी दी है। अहम फैक्टर का जिक्र किया उन्होंने, ओबीसी का जिक्र किया, इसके साथ साथ गुर्जर समाज का जिक्र भी उन्होंने किया। दोनों तरफ से प्रहार चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जो योजना है तो अच्छी लेके आई है, कुछ जगह इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ जगह नहीं है, लेकिन राजस्थान में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा हुई। आप देखिए जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ उसकी सामने बात आई किस तरह से हालात हुई, दंगे बहुत हुए हैं, तो लेकिन बीजेपी अभी तक गलती ये कर रही है कि इन मामलों को भुना नहीं रही है। बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक में हमारे साथ जिस तरह से हमने बजरंग दबली की बात करी तो यहाँ पर नुकसान होगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनको एक डर है और उस डर के मारे इन चीजों को खुलकर रख भी नहीं पा रही है। जितेश जी बहुत शुक्रिया आपका, अश्विनी चवाद जी बहुत शुक्रिया, योगेंद्र जी, पौरुष भारद्वाज जी, मदन प्रजापत जी, आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज राजस्थान के सियासी रण पर आज हम बात कर रहे थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का अपना नजरिया, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जितेश जी बात कर रहे थे कि वहां पर कई फैक्टर काम करते हैं, फैक्टर भी काम करता है, ओबीसी वोटर भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, गुर्जर समाज क्या कहता है, ठाकुर समाज की बात करें या फिर जाट समुदाय की बात करें, उनका झुकाव किस तरफ होगा, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर टिकट वितरण रहेगा कि किस व्यक्ति को कौन सी पार्टी टिकट देती है। और उसके बाद जो मसले राजस्थान की राजनीति में चल रहे हैं वहां पर अगर देशभक्ति का मसला जिसको बेहतर तरीके से बीजेपी रख पाई तो फायदा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो स्थितियां बनी थी चुनाव के दौरान वहां असहज उस चीज को लेकर बीजेपी दिख रही है, जैसा कि जितेश जी बात कर रहे थे कि खुलकर कई चीजों को रख नहीं पा रहे, कहीं ऐसा ना हो कि उसका नुकसान हो जाए, पर देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं खबर फास्ट, नमस्कार।